मुल्ला के 400 से 500 बैनर लगे हुए हैं और ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने अगर परमिशन दे करके लगाया है तो इसमें फौकी लगाना चाहिए। इससे पता चलता है ये पूरे बैनर इलीगल लगे हुए हैं। और दूसरी बात ये बता दें कि हमारे मनसे का ये कातिल है, हमारे मनसे का जो जमील शेख था राबोड़ी का, उसने इसलिए मर्डर करवाया है और ये हमारे मनसे के पदाधिकारी का ये कातिल है। लेकिन ये पूरी तरह से साबित नहीं हुआ है। नहीं, पूरी तरह से साबित नहीं हुआ है। आप आरोप लगा रहे हो? नहीं, आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन आप साफ तौर पे कह रहे हो नजीब मुल्ला कातिल है। नहीं, जो लोग पकड़े गए थे वो लोगों ने कहा है ये बात को, वो लोगों ने आरोपी को सिद्ध किया है। लेकिन महाराष्ट्र की हमारी पुलिस की ये नाकामी है कि अभी तक कातिल नहीं पकड़े गए। अगर कातिल पकड़े जाते तो ये मुख आरोपी जो है नजीब मुल्ला ये पकड़ा जाता। लेकिन आज उसका जन्मदिन है, जन्मदिन के मौके पे नहीं, जन्मदिन है बराबर है तो उसका परमिशन लेके लगाना चाहिए। एक ही क्यों मारे, अभी और भी लगे हुए हैं। हम इतने बैनर तो नहीं फाड़ सकते, 500,000 बैनर लगे हुए हैं। 500,000 नहीं, बस स्टॉप के बैनर की बात कर रहा हूँ। बस स्टॉप में एक 8 बस स्टॉप हो गए पूरे कमरा में। परमिशन नहीं है और इनको परमिशन लेकर के लगाना चाहिए। लेकिन लेकिन भाई इसके अलावा भी अनेक जितने नेता है वो भी बैनर लगा रहे हैं। उनके लगाते हैं तो ये अतिक्रमण का जो है उसको पौती फाड़ना चाहिए। पौती क्यों नहीं फाड़ा है? पौती फाड़ करके लगाना चाहिए और पौती फाड़ना चाहिए, ये उनका है। लोग इससे साबित होता है कि मुमरा कौसा में जितने भी नजीब मुल्ला के बैनर लगे हैं वो सभी इलीगल है। अभी अभी आप क्या अतिक्रमण को अपने मैं अतिक्रमण को और मुमरा पुलिस स्टेशन को और यहाँ के प्रशासन को ये कहना चाहता हूँ कि मुमरा में नजीब मुल्ला के जितने इलीगल बैनर लगे हैं उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे, नहीं तो मन से जो है ये जितने बैनर लगे इसमें सब मैं आग लगा दी। लेकिन नजीब मुल्ला अचानक आपके निशाने पर कैसे? नहीं, हमारे निशाने पर नहीं है। हमारे निशाने पर ये है कि ये मनसे का कातिल है, हमारे पदाधिकारी का जमील शेख का, और ये मुमरा में इतने ज्यादा इसके बैनर इल्लीगल कैसे लगे हुए? लेकिन आप मुझे ये बताइए, आपके पदाधिकारी थे जमील शेख, लेकिन उसके लिए आपकी पार्टी ने क्या किया? राज ठाकरे घर पे आए? आए नहीं आए, ये उनका इंसाफ है। ये उनका विषय है, लेकिन ये उनका विषय है। लेकिन और ये पैदल मुमरा से गए थे, राज ठाकरे कहाँ मिले इनको? लेकिन आप राज ठाकरे की खानकाह तक गए, मिले नहीं आपको? बाटा जी जो बैनर लगाए इनको पहले गए थे। अजीत बाटा का फोटो है, लेकिन नजीब मुल्ला का भी उसमें फोटो है, नजीब मुल्ला के पूरे बैनर लगे हुए। अरे नहीं, आप तो राज ठाकरे की जियारत के लिए दर्शन के लिए गए थे, नहीं मिले वो अपने? वो वहाँ पर नहीं थे, बड़े आदमी है, उनको टाइम नहीं था इसलिए मुलाकात नहीं हो पाई। आदमी की बात नहीं, आपको राज साहब आगे बढ़ो। अविनाश अकेला झंडा तो आप ही उनका लेके चले ना मुमरा में। अविनाश यादव ने अकेला ऐलान करा था कि आपके पदाधिकारी हमारे पदाधिकारी को कोई कुछ करेगा तो हम ये करेंगे वो करेंगे। आपने इतना तामझाम पैदा करा तो फिर क्यों नहीं आपसे मिले राज ठाकरे? वहाँ पर नहीं थे, मुझे मालूम नहीं था, नहीं थे वहाँ पर। अरे आम जनता को जवाब दो ना, ऐसा मैं किसी के साइड में नहीं हूँ, मैं हक की बात कर रहा हूँ भाई। मेरी बात बोलने का मतलब ये है कि जब ये इतने बड़े बड़े मुद्दे उठाते हैं, ये दरगाह के खिलाफ जब उस अविनाश यादव ने बोला तो ये जवाब ये पैदल यात्रा करके गए, ये मुसलमान का नाम लेके गए, मुसलमान करो। देखिए ऐसा है, हम किसी के खिलाफ नहीं है ना किसी के साथ है भाई, हक की बात। देखिए ऐसा है, हम गए थे मिलने, लेकिन हमें उनका जो है टाइम जो है नहीं मालूम। तो नहीं था भाई, आपको नजीब मुल्ला का आपने जो बैनर फाड़ा हुआ है आपको डर नहीं लग रहा है? आपने इसी डायरेक्ट मुमरा में जो इस तरीके से इलीगल बैनर जो चल रहे हैं ये अतिक्रमण को परमिशन देकर के लगाना चाहिए और बस स्टॉप में क्यों लगाया? आपने फाड़ा क्यों? आपने मनपा में कंप्लेन करना चाहिए। बहुत हमने दिया है, नहीं हमने बहुत इनको एप्लीकेशन, ये जो लगा है बैनर बर्थडे के मौके का, इसका एप्लीकेशन दिया आपने मनपा शिकायत की? नहीं, है इलीगल है, इलीगल बैनर लगे हुए मालूम है, इलीगल है। नहीं, इलीगल है, अगर इलीगल है तो मनपा कार्रवाई करेगी ना? आपने अभी बैनर फाड़ा, फिर कल कोई दूसरी पार्टी का फाड़ेगा, आपकी पार्टी का फाड़ेगा, हो गया मतलब? और कुछ नहीं, आपने कचरे के लिए इतना बड़ा वो करा था आंदोलन नगर में, क्या उसका रिप्लाई क्या है? अगर उसके बारे में आप रिप्लाई बताए, हमने आपने इतना लेटर दिया, क्या हुआ, कब हुआ, कब बैठेगा?
कहाँ बैठेगा? अरे इरफान भाई, नहीं नहीं इरफान भाई, बात ये है कि बैनर आपको भाई शहर का माहौल खराब होगा। आपने काम क्या किया ये बताओ, कुछ नहीं होता भाई, काम करना पड़ता। आप निडरता से फाड़ रहे हैं उनके बैनर, सामने पुलिस स्टेशन के पास अभी फाड़िए ना। अमृत नगर में फाड़ो, अमृत नगर में भी फाड़ते।